नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ कलयुग की कुछ विशेषताएं। आप जानते ही हैं कि कलयुग की शुरुआत 2102 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इस कलयुग में कलयुग को अनैतिकता का युग माना गया आ जाता है। कलयुग में 5 ग्रह माने जाते हैं, मंगल, बुध, शुक्र, शनि और वीर। इन ग्रहों में कहा जाता है कि जब यह ग्रह 0 डिग्री पर थे तब कलयुग की शुरुआत हुई थी। कलयुग का अंत कब होगा, यह सवाल सभी के मन में है। कलयुग का अंत कहा जाता है जब कल्कि जी का जन्म होगा और भगवान श्री कृष्ण दोबारा से अवतार इस धरती पर लेंगे, तब कलयुग का अंत होगा। कहा जाता है कि कलयुग से पहले सतयुग, द्वापर युग भी रहे हैं। अगर कलयुग का अंत कभी भी होगा तो उसके बाद सतयुग ही आएगा। जानिए इस वीडियो के दौरान कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। नंबर 1, सिद्धांतों के अनुसार कहा जाता है कि 4,73,000 लोग अभी कलयुग में हैं। 5,000 वर्ष पूर्व सतयुग और द्वापर युग था। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब लोग 4,27,000 लोग शेष हैं कलयुग पर, जब इनका अंत हो जाएगा तब सतयुग का दोबारा से शुरुआत की जाएगी। अनैतिकता और अज्ञानता का अभाव भी खत्म हो जाएगा। नंबर 2, ब्रह्म पुराण के उल्लेखित में लिखा गया है कलयुग का जीवन 10,000 वर्ष और रहेगा। कहते हैं जब इसका अंत होगा तो लोगों के बीच में द्वेष की भावना भी समाप्त हो जाएगी। सतयुग का दोबारा से शुरुआत होना यानी कि जब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे तब सतयुग की शुरुआत होगी। नंबर 3, कहा जाता है कि कलयुग के शुरुआत में सभी लोगों ने देखा है कि लोगों की आयु 60 या 65 के अबाव रहती है जब उनका अंत होता है। कहते हैं जब कलयुग का अंत होगा तो लोगों की आयु कम हो जाएगी यानी कि 12 वर्ष। 12 वर्ष के बाद इंसान की मृत्यु तय होगी और इंसान की कद 4 इंच ही रह जाएगा। यह कलयुग जब इंसान का कद 4 इंच हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि कलयुग का अंत होने ही वाला है। नंबर 4, कुछ ग्रंथों महाभारत में भी कहा गया है कि कलयुग का जीवन 12,000 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, फिर उसके बाद कलयुग का अंत होना ही है। जब भगवान कृष्ण कल्कि के रूप में अवतार लेंगे तो वह अवतार एक अवतरित होगा जो इस कलयुग का अंत करेगा और सतयुग की स्थापना करेगा। नंबर 5, कई लोगों का मानना है कि 5,000 वर्ष के बाद पृथ्वी का नष्ट होना तय है। कहा जाता है माया कैलेंडर में पहले ही वर्जित किया गया था कि पृथ्वी का नष्ट होना आपका तय है। ग्रेट साइकल्स में पहले ही बता दिया गया था कि 12 दिसंबर 2012 में आपकी पृथ्वी का नष्ट होना तय है। यह उस कैलेंडर के द्वारा ही बताया गया था। यह थे कुछ ऐसे कारण जिसके कारण आपको पता चलेगा कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।